देखिए दो चीज़ें हैं, स्थानीय विकास प्राधिकरण जो जिला स्तरीय थे उससे पूर्व में वो विनियमित क्षेत्र के रूप में और स्थानीय निकाय के रूप में अधिसूचित थे और एक एक जनपद में तीन तीन चार चार थे। और माने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो नेशनल हाईवे और राज्य हाईवे उनसे को भी सम्मिलित करने के निर्देश इस प्रकार से थे, तो इस संबंध में जिला स्तरीय प्राधिकरण बनने के बाद कुछ माने सदस्यों का इस प्रकार से एक विषय निकल कर आया और वो विषय था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय विकास प्राधिकरण हैं खासतौर पर लगते हैं वहाँ भूमि के स्वामित्व को लेकर दिक्कत है, चूँकि जो बुक्सा थारू जनजाति उन सब लोगों की जमीन है वो जमीन सेल नहीं हो सकती और कुछ लोग उस पर जो इस जनजाति या बुक्सा के या थारू के या जनजाति के नहीं हैं उस जमीन पर रह रहे हैं। अब वो नए अगर नक्शा पास कराना चाहे चूंकि स्वामित्व नहीं है नक्शा पास कैसे होगा, ये प्रॉब्लम एक तो। और दूसरी प्रॉब्लम यह आई है कि जिन क्षेत्रों में वन विभाग से संबंधित कोई मैटर है वहाँ से भी ये दिक्कत आई, तो इस संबंध में मैंने माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि यदि इस समस्या के समाधान के लिए कोई सदस्यों की कमेटी बने और वो हमें सुझाव दे और वो सुझाव एज पर नॉर्म्स ठीक हो तो निश्चित रूप से सरकार को मानने में दिक्कत नहीं होगी। तो माननीय अध्यक्ष जी से आज मैंने निवेदन किया है कि आप एक समिति बना दीजिए, उस समिति की इस संबंध में रिपोर्ट आ जाए कि जहाँ जहाँ गाँवों में ये परेशानी आ रही है तो हम उसको दूर करेंगे।